दोस्तों, अगर आपसे जाने अनजाने में आपके मोबाइल से कोई इंपोर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट हो गया है, आप उसको रिकवर करना चाहते हो, आप उस डिलीटेड कॉन्टेक्ट नंबर को अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में वापस लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से डिलीट हुए कॉन्टेक्ट नंबर को कैसे रिकवर करते हैं, उसको कैसे वापस लाते हैं। आपके पास दोस्तों किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, कोई भी मॉडल हो, डिलीट हुए कॉन्टेक्ट नंबर को आप बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको तीन बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप डिलीटेड कॉन्टेक्ट नंबर को रिकवर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल या फिर पेज पे पहली बार आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप आगे भी देख पाओ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से डिलीट हुए कॉन्टेक्ट नंबर को कैसे रिकवर करते हैं, उसको कैसे वापस लाते हैं। और दोस्तों डिलीट हुए कॉन्टेक्ट नंबर को रिकवर करने का मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा, आप इन तीनों तरीकों से अपने मोबाइल से डिलीट हुए कॉन्टेक्ट नंबर को रिकवर कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट ऐप को ओपन करता हूं। आप यहां पे देख सकते हो बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं। मैं यहां पे दोस्तों सिलेक्ट ऑल करता हूं और नीचे डिलीट ऑल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूं और इन सभी कॉन्टेक्ट नंबर को मैं अपने फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर देता हूं। अब आप यहां पे देख सकते हो नो कॉन्टेक्ट। अब दोस्तों मेरे फोन के अंदर एक भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। तो दोस्तों डिलीट हुए कॉन्टेक्ट नंबर को रिकवर करने का पहला तरीका तो ये है कि आप अपने फोन में कॉन्टेक्ट ऐप को ही ओपन करिए। यहाँ ऊपर साइड में आपको तीन माइनस मिलेगा, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसाइकल बिन, ट्रैश या फिर बिन के नाम से, उस पे क्लिक करिए। वो सारे डिलीटेड कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सभी को सिलेक्ट करिए। नीचे रिस्टोर ऑल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करिए। सारे डिलीटेड कॉन्टेक्ट नंबर वापस से आपके फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ जाएगा, इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हुआ दोस्तों पहला तरीका। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो दूसरा तरीका बताने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन में इस ईमेल आईडी के अंदर ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर सेव है, आप इस ईमेल आईडी को देख लो। अब मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ और नीचे डिलीट ऑल पे क्लिक करके इसे मैं अपने फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद से मैं जाता हूँ रिसाइकल बिन में और यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल करके डिलीट ऑल कर देता हूँ। अब मैंने अपने फोन के सभी कॉन्टेक्ट नंबर को फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट से और रिसाइकल बिन दोनों जगह से दोस्तों डिलीट कर दिया। अभी आप देख सकते हो मेरे फोन के अंदर अब एक भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। तो दोस्तों आप इन सभी डिलीटेड कॉन्टेक्ट नंबर को रिकवर करने का दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ऊपर यहाँ सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है कॉन्टेक्ट, यहीं पे दोस्तों आपको गूगल का कॉन्टेक्ट ऐप दिखेगा। फोन में दोस्तों दो तरीके का कॉन्टेक्ट ऐप होता है, एक होता है डिफॉल्ट और एक होता है गूगल का। ये सैमसंग का फोन है तो ये जो आप कॉन्टेक्ट ऐप देख रहे हो ये डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट ऐप है, लेकिन आजकल जितने भी नए फोन आते हैं जैसे कि वन प्लस, रेडमी, वीवो, ओप्पो, उन सभी में आपको गूगल का दिखेगा। तो अगर आपके फोन में गूगल का नहीं है, ये डिफॉल्ट वाला है, तो आपको प्ले स्टोर ओपन करके गूगल के इस कॉन्टेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से दोस्तों अब आपको इसको ओपन करना है, नीचे अलाउ अलाउ पे क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अभी आप देख सकते हो नो कॉन्टेक्ट इन दिस अकाउंट। ईमेल आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ, वही ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मैंने सभी कॉन्टेक्ट नंबर को डिलीट कर दिया था। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ नीचे कोने में फिक्स एंड मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिन, इसके अंदर दोस्तों जब आप जाएंगे तो सारे कॉन्टेक्ट नंबर जो डिलीट कर दिया था मैंने रिसाइकल बिन से भी, कॉन्टेक्ट लिस्ट से भी, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको इस तरह से सिलेक्ट ऑल कर लेना है और सिलेक्ट आउट करने के बाद से यहीं पे रिकवर का ऑप्शन मिलेगा, आपको रिकवर पे क्लिक कर देना है। वो सारे कॉन्टेक्ट नंबर वापस से रिस्टोर हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो 691 कॉन्टेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे इन सभी कॉन्टेक्ट नंबर को रिकवर होने में, रिस्टोर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए आपको वेट कर लेना है, 1 से 2 मिनट टाइम लगता है। अभी आप यहाँ पे देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी जैसे जैसे कॉन्टेक्ट नंबर रिस्टोर होगा यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 6 था, अभी यहाँ पे 9 हो गया, 25 हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉन्टेक्ट सारा यहाँ पे रिस्टोर हो रहा है। ये है दोस्तों दूसरा तरीका।
अब चलिए मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताता हूं, वो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐप को ओपन करना है, गूगल वाले कॉन्टेक्ट ऐप को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारे कॉन्टेक्ट नंबर ये स्टोर हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं यहां से इन सभी को सिलेक्ट ऑल करता हूं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद से मैं यहां से मूव टू बिन कर देता हूं, ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर यहां से डिलीट हो रहे हैं, 249 उतना ही अभी रिस्टोर हुआ है, तो इन सभी को ये डिलीट कर रहा है। तो यहां पे देखिए सारे कॉन्टेक्ट नंबर ऑलमोस्ट 249 डिलीट हो गए हैं, अभी कुछ और बचे हुए हैं, चलिए इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे दोस्तों रिस्टोर हो रहा है वो सारे कॉन्टेक्ट नंबर अभी यहां पे वापस से आ रहे हैं, ये 129 है, तो चलिए ये भी हो गया, और जितने रिस्टोर होंगे वो वापस आते जाएंगे। मैं क्या करता हूं वापस से यहां बिन में जाता हूं, तो यहां पे देखिए सारे कॉन्टेक्ट नंबर आ गए हैं जो मैंने डिलीट किया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं सिलेक्ट ऑल करता हूं, और यहां से भी डिलीट फॉर एवर, यहां पे देखिए डिलीट फॉर एवर पे क्लिक कर दिया, 378 कॉन्टेक्ट यहां से भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको इसे रिकवर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप गूगल का कॉन्टेक्ट ऐप ओपन करेंगे और यहाँ फिक्स एंड मैनेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और सबसे नीचे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा अंडू चेंजेस, इस पे आपको क्लिक करना है, अपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपसे जो गलती से कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट हो गया था वो कितनी देर पहले हुआ था, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, या फिर कस्टम। तो आपको अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, कस्टम को सिलेक्ट करना है, और कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आप चाहें तो दिन डाल सकते हैं, 30 दिन के अंदर डिलीट हुआ था, 20 दिन के अंदर हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, चलिए मैं यहाँ पे 1 दिन कर लेता हूं, सॉरी, वापस आते हैं, कस्टम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने 1 दिन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको बताएगा, योर कॉन्टेक्ट लिस्ट विल बी चेंज बैक टू हाउ इट वॉज ऑन सैटरडे 20 इतना टाइम। सिंपल आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है, आपको यहाँ पे वेट करना है, और कुछ देर के अंदर सारे कॉन्टेक्ट नंबर वापस से आपके फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ जाएंगे। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिफ्रेश किया था और यहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट नंबर वापस से रिस्टोर होना शुरू हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हो करीब 100 से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर रिस्टोर हो चुका है। तो इन तीनों तरीकों से दोस्तों आप अपने मोबाइल से डिलीट हुए कॉन्टेक्ट नंबर को रिकवर कर सकते हो, उसको वापस ला सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।